दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और आलोक का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इस फैक्ट्री के बाहर ब्लैक जोकर आ जाता है, तभी इसके पास वही इंसान आता है जिसने आलोक को फैक्ट्री के अंदर भेजा था। तभी ब्लैक जोकर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और कहता है, ये लो तुम्हारे पैसे, लेकिन इस बात के बारे में किसी को मत बताना। और फिर ये आदमी अपने पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी ब्लैक जोकर कहता है, आलोक ने एक दिन मुझे बहुत मारा था, इसलिए आज मैं उससे अपना बदला लूंगा और आलोक को जान से मार दूंगा। और अब आगे की कहानी देखते हैं। और फिर ब्लैक जोकर बहुत गुस्से में फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। जैसे ही ये फैक्ट्री के अंदर जाता है, तभी अरे ये क्या, ये तो सोन है। सोन इस जगह पे नहीं रुकता है क्योंकि सोन आलोक को लेने के लिए उसके घर जा रहा है, लेकिन सोन को पता नहीं है कि वो जिसे लाने जा रहा है वो अपने घर में है ही नहीं। और इधर इन लोगों ने लगभग क्लॉक टावर को पूरा सजा ही दिया है, बस थोड़े से ही सजावट बाकी है। अरे ग्रीन क्रिमिनल तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के झंडी लगा रहा है, और इधर ब्लू क्रिमिनल तो सीढ़ी को पकड़ के खड़ा है, और रेड क्रिमिनल सीढ़ी के ऊपर चढ़ के रस्सी को बांध रहा है, और पर्पल क्रिमिनल तो ऊपर से पूरे सजावट को देख रहा है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अरे ये क्या, हिप हॉप तो बड़ा वाला स्पीकर लगा रहा है, लगता है आज ये लोग बहुत डांस करने वाले हैं। चुन्नी अब बस करो, हम लोगों ने बहुत सारे गुब्बारे फुला दिए हैं, वो देखो। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो पूरे क्लॉक टावर को गुब्बारे से भर दिया है। और फिर थोड़ी देर में ये लोग पूरे क्लॉक टावर को सजा देते हैं। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, हम लोगों ने बर्थडे की पूरी तैयारी कर ली है, चलो अब बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं। लेकिन सोन अभी तक आलोक को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया। गुल्ली कहता है, रुको मैं अभी सोन को कॉल करके पूछता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ हैं। इतना कहते ही गुल्ली अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और सोन के पास कॉल लगाता है। जैसे ही सोन कॉल उठाता है, तभी गुल्ली कहता है, सोन तुम अभी तक आलोक को लेकर क्लॉक टावर क्यों नहीं आए। सोन कहता है, गुल्ली मैं आलोक के घर आ चुका हूँ, लेकिन आलोक घर में नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है सोन, तुम क्लॉक टावर आ जाओ, तब तक हम लोग कुछ सोचते हैं। और इधर अरे क्या, इन लोगों ने तो आलोक को पकड़ लिया है, अब पता नहीं ये लोग आलोक के साथ क्या करने वाले हैं। तभी ब्लैक जोकर खड़ा होता है और आलोक के पास आता है और कहता है, जल्दी बताओ आलोक, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। आलोक कहता है, मेरी एक ही आखिरी इच्छा है और वो है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे मारोगे, अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। आज मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा ताकि तुम लोग दोबारा ऐसा ना कर सको। आज मेरा बर्थडे है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए आज मैं तुम लोगों को ऊपर पहुंचा के ही रहूंगा, फिर तुम लोग ऊपर जाकर मुझे मारने की प्लानिंग करना। इतना कहने के बाद आलोक ब्लैक जोकर को मारने लगता है। अरे क्या, इसने तो आलोक को किक मार दिया और आलोक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और इधर ये लोग आलोक को खोजने के लिए कुछ सोच रहे थे, तभी इन लोगों को किसी की आवाज आती है। अरे ये क्या, यहाँ तो वही आदमी आ चुका है जिसने आलोक को उस फैक्ट्री के अंदर भेजा था, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है। इन लोगों के पास आते ही वो आदमी कहता है, मैंने देखा कि पुरानी फैक्ट्री के अंदर आलोक को दो तीन लोग मिलकर मार रहे थे, जल्दी चलो मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद ये आदमी यहाँ से जाने लगता है, और फिर ये सारे लोग भी उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग उस फैक्ट्री में आ जाते हैं। फैक्ट्री के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि फैक्ट्री के बाहर तो ब्लैक जोकर और उसके आदमी बेहोश पड़े हुए हैं। स्काइलर कहता है, अरे ये तो ब्लैक जोकर है और इसे तो हम लोगों ने एक बार मारा था, कहीं इसने बदला लेने के लिए तो आलोक को नहीं मारा। आज मैं इसे बहुत मारूंगा, ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी ब्लैक जोकर को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। खड़े होते ही वो कहता है, मुझे मत मारना, मैंने आलोक को नहीं मारा, मैं तो तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने आलोक को पकड़ा था, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। मैं उसके साथ क्लॉक टावर जाने के लिए जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला, तभी यहाँ चार लोग आ गए और उन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा और आलोक को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। क्या तुम ये सब सच बोल रहे हो? अगर झूठ बोल रहे होगे तो हम लोग तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम सोच नहीं सकते हो कि मार खाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। गुल्ली कहता है, स्काइलर मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है,
नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर आलोक को ढूंढता हूँ। कहीं ब्लैक जोकर इन लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहा है? अगर ये सच बोल रहा है तो आलोक को अपने साथ किडनैप करके कौन ले गया? तो अब क्या होगा आगे? क्या ये लोग आलोक को ढूंढ पाएंगे या आलोक इन लोगों को कभी नहीं मिलेगा? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें ताकि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट आए।